मॉर्निंग एवरीवन, श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन देख रहे हैं अपना 13वां अध्याय जो कि है व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यवसायिक नैतिकता। तो लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि व्यवसाय का जो सामाजिक उत्तरदायित्व होता है उसका एक सीधा सा मतलब होता है कि कोई भी व्यवसाय है वो उत्पादन के जो साधन होते हैं भूमि पूंजी श्रम संगठन साहस इस प्रकार उनका उपयोग करे ताकि अधिक से अधिक उत्पादन हो और अधिक से अधिक सामाजिक कल्याण हो। यानी कि जैसे कि समाज में रहने वाले बहुत वर्ग होते हैं, हमारे कर्मचारी हैं, ग्राहक हैं, विनियोगकर्ता है, सरकार है, आपूर्तिकर्ता हैं, तो इन सभी के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो और उनका अहित ना हो। तो कल अपन ने देख लिया था कि जो व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व है उसके दायित्व किन किन के प्रति होते हैं। तो एक तो स्वयं व्यवसाय के प्रति दायित्व देख लिया था और दूसरी चीज़ अपन ने विनियोगकर्ताओं के प्रति दायित्व देख लिया था। आज अपन देखते हैं कि व्यवसाय का कर्मचारियों के प्रति कौन कौन से दायित्व बनते हैं। तो सबसे पहला होता है उचित वेतन। सामान्य सी बात है, कोई भी व्यवसाय है संचालित किया जा रहा है तो ये हमारा दायित्व बनता है कि उस संस्था में कार्य कर रहे कर्मचारियों को हम उचित वेतन दें, अर्थात जितना काम हम उनसे ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको सही मात्रा में वेतन मिलना चाहिए। क्योंकि पर्याप्त वेतन मिलेगा तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, साथ ही साथ वह व्यवसाय को अच्छे तरीके से और अच्छे मन लगा कर संचालित कर सकेंगे। दूसरा होता है कार्य करने की दशाएं। अब इसका मतलब ये है कि कोई कर्मचारी कार्य करने के लिए आ रहा है तो उसे कार्य करने की उचित दशाएं दी जाएं। यानी कि लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, पंखे की व्यवस्था होनी चाहिए, मशीनरी अच्छी होनी चाहिए, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के वातावरण में एक कर्मचारी बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर सकता है। तो कार्य करने की दशाएं अच्छी होनी चाहिए। तीसरा होता है हमारा रोजगार की सुरक्षा। अब जैसे कोई कर्मचारी है कार्य करने के लिए बना है, अब उसको दिन रात ही भय बना रहे कि न जाने कब मुझे बॉस नौकरी से निकाल दे, तो उसका मन भी क्या हो जाता है, कार्य करने में नहीं लगता है। इसके बजाय हमको क्या करना चाहिए, कर्मचारियों को रोजगार की सुरक्षा देनी चाहिए, अर्थात उनको आश्वासन देना चाहिए कि उनके वो सुरक्षित हैं और उन्हें हम जॉब से नहीं निकालेंगे। चौथा होता है हमारा सामाजिक सुरक्षा। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कर्मचारी किसी संस्था में कार्य कर रहा है तो उसे भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड इस प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए। साथ ही साथ इनका अपन को बीमा भी कराना चाहिए कर्मचारियों का, ताकि आगे आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना हो तो हम उनके परिवार के जनों को क्या दे सकें, थोड़ा बहुत सुरक्षा दे सकें या धन उनको उपलब्ध करा सकें। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि एक व्यवसाय का कर्मचारियों के प्रति क्या दायित्व होता है। अब अपन देखते हैं कि उपभोक्ताओं के प्रति क्या दायित्व होता है एक व्यवसाय का। तो उपभोक्ता जो होते हैं वो एक व्यवसाय की नींव कही जाते हैं, क्योंकि किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत मान लो कस्टमर नहीं है और आपने दुकान खोल रखी है और कस्टमर ना आ रहे हैं ना जा रहे हैं ना आपकी वस्तु का क्रय विक्रय हो रहा है, तो वो व्यवसाय क्या हो जाएगा, उतना विस्तृत नहीं हो पाएगा और अपन उसको और अधिक विस्तृत नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक व्यवसाय का उपभोक्ताओं के प्रति क्या दायित्व बनता है ये अपन देखते हैं। तो सबसे पहला होता है विभिन्न वर्गों हेतु। अब अपन देखते हैं कि समाज में बहुत सारे वर्ग होते हैं, कुछ निम्न वर्ग के होते हैं, कुछ मध्य वर्ग के होते हैं और कुछ उच्च वर्ग के होते हैं। अगर आप सोचें जिनकी इनकम बहुत कम है वो केवल हाई क्वालिटी की चीज़ को खरीद पाएँ तो ऐसा सोचना भी पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए विभिन्न वर्गों हेतु, अर्थात जो निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं, जो मध्य वर्ग के हैं और जो उच्च वर्ग के हैं, अपन को उनकी आवश्यकताओं के अकॉर्डेंस ही क्या करना चाहिए, वस्तुओं का निर्माण करना चाहिए, अर्थात अलग अलग प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना चाहिए, ताकि केवल वस्तु का केंद्रीकरण उच्च हाथों में मतलब जो अच्छी इनकम वाले हैं उनके लिए ना हो पाए। दूसरा होता है उचित किस्म एवं कीमत। अब ये तो सीधी सी बात है, कोई भी प्रकार का उपभोक्ता है वो चाहेगा कि हमें वस्तु की कीमत अच्छी मिले। अब ऐसा भी नहीं चाहेगा कि बहुत कम मिल जाए, लेकिन जिस हिसाब से वो वस्तु है उस हिसाब से उसकी कीमत होनी चाहिए, साथ ही साथ उस वस्तु की जो क्वालिटी है वह भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये व्यवसाय का दायित्व बनता है कि वह उपभोक्ताओं को सही किस्म की और सही कीमत पर वस्तु उपलब्ध कराए। तीसरा होता है ग्राहक सेवा। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि अपन ने किसी कस्टमर को कोई मशीनरी सेल करी है, अब वो मशीनरी को कैसे चलाना है, कभी ख़राब हो जाती है तो उसको कैसे सही करना है, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो हमारी ग्राहक सेवा के अंतर्गत मानी जाती हैं। यानी कि ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना वस्तुओं के विक्रय के बाद, जिसको अपन कहते हैं विक्रय पश्चात जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं वो भी हमें ग्राहकों को प्रदान करनी चाहिए। ये एक व्यवसाय का मोस्ट इम्पॉर्टेंट दायित्व बनता है। अब लास्ट हमारा है मिलावट नहीं। तो सीधी सी बात है, अगर आप एक व्यवसाय चला रहे हैं जिसमें आप वस्तुओं में मिलावट करके ग्राहकों को बेचते हैं
तो वो क्या होता है, ग्राहक ने एक बार वस्तु तो खरीद ली लेकिन दूसरी बार वो वस्तु खरीदने के लिए आएगा भी नहीं, और साथ ही साथ चार पांच जगह पर आपकी दुकान की भी बदनामी कर सकता है। तो अपना दायित्व बनता है कि उपभोक्ताओं को कभी भी कोई भी वस्तु मिलावट की नहीं देना चाहिए। इसके अलावा हमारा और दायित्व बनते हैं, जैसे कि हमारे पूर्तिकर्ता होते हैं जो हमें वस्तुएं प्रोवाइड कराते हैं, माल स्टॉक भी हमें प्रोवाइड कराते हैं, तो उनके प्रति हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको सही समय पर उनका पेमेंट कर दें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे आपूर्तिकर्ता होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, तो हमें उनको एडवांस में पेमेंट भी कर देना चाहिए। अब हमारा आता है सरकार के प्रति दायित्व। तो सरकार के प्रति दायित्व का मतलब होता है कि जो भी नियम कानून सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, समय समय पर हमें उनको जो इनकम टैक्स के रूल हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए। तो इस प्रकार हमें सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को भी फॉलो करना चाहिए, ये एक व्यवसाय का दायित्व माना जाता है। तो अभी अपन ने देखा कर्मचारियों के प्रति दायित्व, उपभोक्ताओं के प्रति दायित्व, आपूर्तिकर्ताओं के प्रति दायित्व और सरकार के प्रति दायित्व। इस प्रकार ये अपना खत्म हुआ व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का, दायित्व किन किन के प्रति बनता है। अब अपन देखते हैं कि व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में और विपक्ष में, यानी कि कुछ लोग मानते हैं कि सामाजिक उत्तरदायित्व बहुत अच्छी चीज़ है तो पक्ष में तर्क दिए हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि सामाजिक उत्तरदायित्व होना ही नहीं चाहिए तो उन्होंने अपने तर्क विपक्ष में दिए हैं। तो अभी अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब अपन देखते हैं कि एक व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष और विपक्ष में कौन कौन से तर्क होते हैं। बहुत से अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने बताया है कि जो हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है वो बहुत फ़ायदेमंद है व्यवसाय के लिए। वहीं पर कुछ लोग समझते हैं कि सामाजिक उत्तरदायित्व अगर हम लाएंगे तो इससे हमारे व्यवसाय को नुकसान होगा, क्योंकि कम से कम कीमत पर जब वस्तु प्रोवाइड की जाती है तो उस समय हमारा लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो अब अपन देखते हैं कि पक्ष में किस प्रकार के तर्क दिए गए और विपक्ष में कौन से तर्क दिए गए। तो सबसे पहला होता है व्यवसाय का दीर्घकालीन हित। कोई भी व्यवसाय है जो सामाजिक उत्तरदायित्व को अपनाता है, अर्थात समाज में रहने वाले विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों का किसी भी प्रकार से अहित ना हो, इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखता है, तो अल्पकाल में अपन को जरूरी है कि ज़्यादा प्रॉफिट ना हो, लेकिन अगर एक व्यवसाय सामाजिक उत्तरदायित्व को कंटिन्यू रखता है तो दीर्घकाल में उसको अवश्य ही प्रॉफिट मिलता ही मिलता है। दूसरा होता है छवि में सुधार। इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा व्यवसाय है जो ना कालाबाजारी कर रहा है, ना जमाखोरी कर रहा है, ना मिलावट कर रहा है, तो उससे क्या हो जाता है, उस व्यवसाय की जो छवि होती है, ख्याति होती है, वो अपने आप बढ़ती जाती है। क्योंकि जब हम किसी ऐसी दुकान पर माल लेने जाएंगे जो बहुत अच्छी दुकान है, मिलावट नहीं करती है, कालाबाजारी नहीं करती है, तो अपन भी क्या करते हैं, उस दुकान का प्रचार प्रसार करते हैं, उसकी छवि बढ़ती है। तो सामाजिक उत्तरदायित्व के कारण क्या हो जाता है, व्यवसाय की छवि अपने आप ही बढ़ जाती है। तीसरा देखते हैं समस्याओं को हल करने की प्रेरणा। अब एक व्यवसाय है जो सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करता है तो उसका ये परम दायित्व बनता है कि हमारे जो कर्मचारी हैं, अंशधारी हैं, विनियोगकर्ता हैं, उनके प्रति मैं किसी भी प्रकार का हित ना करूं। अब अपन देखते हैं कि एक व्यवसाय को संचालित करने में बहुत सारा प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण देख लें, वायु प्रदूषण देख लें, बहुत सारी चीज़ें देख लें। तो एक व्यवसायी का एक स्वयं का दायित्व बनता है कि इस प्रकार की प्रदूषण की समस्याएं हैं या अन्य कोई समस्याएं हैं जिससे हमारे पर्यावरण को हानि पहुंच रही है, तो उन समस्याओं का वह स्वयं ही हल ढूंढ लेता है। लास्ट देखें जवाबदेही में वृद्धि। तो इसका मतलब ये होता है कि व्यवसाय का दायित्व अभी अपन ने देखा जैसे स्वयं के प्रति था, कर्मचारियों के प्रति था, अंशधारियों के प्रति था, आपूर्तिकर्ताओं के प्रति था, तो ये एक व्यवसाय की जवाबदेही बन जाती है, यानी कि उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि मैं किसी भी पक्ष का क्या करूं, अहित ना करूं। यानी कि ऐसा नहीं कर्मचारियों को मिला वेतन अधिक ना दूं या फिर मिलावट की वस्तुएं बेचूं, पर्यावरण को प्रदूषित करूं। तो ये एक व्यवसाय का स्वयं का दायित्व बनता है कि किसी भी प्रकार का कोई अहित ना हो, और अहित होगा तो ये स्वयं व्यवसाय की जिम्मेदारी होगी। तो ये हुए हमारे पक्ष में तर्क। अब अपन देखते हैं कि एक सामाजिक उत्तरदायित्व अगर कोई व्यवसाय अपनाता है तो उसके विपक्ष में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। तो सबसे पहला होता है आर्थिक लक्ष्यों से विमुख। ये तो सीधी सी बात है, कोई भी व्यवसाय है जो कि सामाजिक उत्तरदायित्व को फॉलो कर रहा है तो अपन ने पहले ही देखा था कि ऐसे प्रोडक्शन करें ताकि अधिक से अधिक सामाजिक कल्याण हो, यानी कि कम से कम कीमत पर ज़्यादा उत्पादन करके और ग्राहकों से कम कीमत पर अपन को उन्हें वस्तु प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर आर्थिक लक्ष्य यानी कि हमारा तो उद्देश्य होता है किसी भी व्यवसाय का कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करनी है, अर्थात प्रॉफिट कमाना है। तो अगर सामाजिक उत्तरदायित्व को अपन फॉलो करते रहे तो आर्थिक लक्ष्यों से अपन बहुत दूर होते जाएंगे। दूसरा होता है हस्तक्षेप में वृद्धि। अब क्या होता है, एक कोई भी व्यवसाय संचालित करता है तो उस पर कंट्रोल अपना होता है, लेकिन बहुत सारे बाहरी तत्व हैं जो उस व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अपन सामाजिक तत्व देख लें, राजनीतिक तत्व देख लें, आर्थिक तत्व देख लें,
या फिर बहुत सारी जो अपन आप नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में ट्वेल्थ में पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। तो ये सारे तत्व भी क्या करते हैं, हमारे व्यवसाय को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी ना किसी प्रकार से हस्तक्षेप करते ही हैं। अब हस्तक्षेप करते हैं तो उससे हमारे व्यवसाय को ही नुकसान पहुँचता है। तीसरा देखते हैं अपन पक्षपात। तो अब व्यवसाय में भी बहुत सारे लोग होते हैं, मान लीजिए एक ग्राहक के साथ अच्छा बिहेव किया जा रहा है तो दूसरे के साथ पक्षपात किया जा रहा है, या फिर एक वर्ग को अच्छा माना जा रहा है तो दूसरे वर्ग को वहीं अच्छा नहीं माना जा रहा है। इस प्रकार क्या होता है, भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है और सामाजिक उत्तरदायित्व वहाँ पर काम नहीं करता है। लास्ट देखते हैं भ्रमित करना। तो बहुत सारे व्यवसाय ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, विक्रय करना है, तो वो क्या करती हैं, विज्ञापन का सहारा लेती हैं। अब आजकल अपन देखते हैं कि विज्ञापन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं जिन पर अपन अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन पर विश्वास करके वस्तुओं को खरीद लेते हैं। अब अगर ऐसे गलत विज्ञापन के द्वारा वस्तु बेची जाएगी तो वहाँ पर हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व काम में नहीं आएगा। तो इस प्रकार आज की वीडियो में अपन ने देखा कि व्यवसाय का जो सामाजिक उत्तरदायित्व होता है उसके पक्ष में भी तर्क दिए गए हैं और विपक्ष में भी तर्क दिए गए हैं। साथ ही साथ एक व्यवसाय का जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उसका विभिन्न वर्गों के प्रति क्या क्या दायित्व होता है वो अपन ने देखा। अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा व्यवसायिक नैतिकता या व्यवसायिक नीति शास्त्र भी कह सकते हैं, जिसका मतलब ये होता है, जिसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि किसी भी व्यवसाय को संचालित करते समय हमारा व्यवहार व्यवसाय के प्रति कैसा है, उसमें कौन कौन से नीति नियम होते हैं जिन्हें हमें व्यवसाय में फॉलो करना चाहिए, उसको हम कहते हैं व्यवसायिक नीति शास्त्र। तो इस टॉपिक के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।